हर जगह साबित कदम रहना बहुत जरूरी, साथ रहना बहुत जरूरी। ऐसे लोग इमाम के पास नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस सरमाए को बचाने के लिए सिर्फ ये कि उनको बचाने के लिए तदाबीर नहीं अंजाम दी, क्योंकि बहरहाल जब भी इंसान किसी सरमाए को कैपिटल को सेव करता है तो रुकावटें बहुत होती हैं, मुश्किलात बहुत होती हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौर मुश्किलात चैलेंजेस से भरा था, ऐसा किसी भी इमाम का दौर नहीं आया इमामत का जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मसायब जैसे किसी इमाम पे मसायब नहीं आए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर जैसा किसी इमाम का दौर नहीं था। जिन सब हालात से बिल्कुल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बिल्कुल असल में सिर्फ से काम करना था, स्क्रैच लेवल से काम करना था इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। इसके लिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जिन तदाबीर जो अनावीन थे जो चैलेंजेस थे इमाम को, इमाम को चैलेंजेस क्या थे? इमाम को चैलेंजेस थे समाज अखलाकी तौर पे बिल्कुल पस्त हो चुका था। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में समाज की तबाही का, चाहे उस दौर में या इस दौर में सबसे बुनियादी सबब यानी बुनियादी असबाब में से बुनियादी सबब अखलाकी जवाल। और मैंने अर्ज किया कि अखलाक से मुराद इस्लामी अखलाक, इस्लामी अकदार, वो चीजें कि जो इस्लाम में मुहतरम हैं, वो चीजें जो इस्लाम में अजीज हैं, वो चीजें जिनकी रियायत और जिनकी पासदारी इस्लाम में जरूरी है, उन चीजों को पसेपा रखना ये अखलाक की जवाब है। हुक्मरानों और जालिमों के सामने तमल्लुक करना, चापलूसी करना, यह अखलाकी जवाल की दलील है। जुल्म होता देखकर खामोश रहना यह अखलाकी जवाल की दलील है। बुराइयां फैलती रहे इंसान उनके सामने कुछ न कहे, यह अखलाकी जवाल की दलील। और इसका बिल्कुल बरअक्स हुस्न खुल्क है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हुस्न खुल्क कहा जाता है। यानी क्या, हुस्न खुल्क की तारीफ अगर आप करें, अच्छा अखलाक यानी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, अच्छा अखलाक यानी अमर बिल मारूफ करना, अच्छा अखलाक यानी कभी भी जालिम के आगे सर झुकाना नहीं डरते, अच्छा अखलाक यानी पायदारी दिखाना, अच्छा अखलाक यानी कभी भी हराम खुदा को बर्दाश्त ना करना, कभी भी हराम खुदा को बर्दाश्त। ये तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के दौर में एक अखलाकी सवाल था। दूसरी एक चीज देखिए, अखलाकी सवाल की सबसे सबसे बड़ा सिम्टम, जैसे इंसान बीमार पड़ता है तो बीमारी का सबब क्या होता है? बुनियादी सबसे पहला सबब, इनिशियल कॉज जो है वो बीमारी का क्या होता है? फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पे फला वायरस का आ जाना और फला चीज का जिस्म में लग जाना, और ये सारे असबाब हैं, लेकिन सबसे पहले इनिशियल कॉज क्या होता है? सबसे पहला कॉज होता है इंसान का, यानी इंसान की कुव्वत मनाअत और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। बीमारी की सबसे पहली सीढ़ी और सबसे पहला जीना जो है वो क्या है? जब तक इंसान अंदर से कमजोर नहीं होगा उस वक्त तक बाहर की बीमारियां उस पर हावी नहीं हो सकती। ये निजाम है सेहत का सबसे पहला। बहरहाल अगर इसमें कोई काबिल इस्लाह बात हो तो बताइएगा, लेकिन सबसे पहला जीना यही है, क्योंकि अंदर से इंसान कमजोर हो गया तो बाहर से हर तरह का वायरस उस पर अटैक कर सकता है। जरा सी किसी की छींक भी इसके बुखार का सबब बन सकती है। क्यों? अंदर से कमजोर है, इसके अंदर मनाहत नहीं पाई जाती,
इसके अंदर डिफेंस सिस्टम इसका ज़ईफ़ हो गया है। अखलाकी ज़वाल का सबसे पहला जीना है इंसान के नफ्स का कमजोर होना। सबसे पहला, जब इंसान का नफ्स ज़ईफ़ हो जाता है ना, जब इंसान का नफ्स ज़ईफ़ हो गया तो हर तरह की अखलाकी बुराइयां उस पर हावी हो सकती हैं, हर तरह की। यानी आप देखें, मैं एक चीज अर्ज करता चलूं कि जिस तरह खुराक जो है, गजा जो है, खाना, ये इंसान के जिस्म को इम्यूनिटी देता है, जिस्म को कुव्वत देता है, मनाअत अता करता है, जिस्म को मजबूत बनाता है, ठीक है ना। यही चीज बिल्कुल हूबहू रूह की तकवियत के लिए भी, रूह की भी जो खुराक है, हर वो चीज कि जो इंसान के नफ्स को ज़ईफ बनाए वो इंसान के रूह के लिए मोहलक है, मोहलिक है। हर वो चीज, रूह की खुराक क्या है? सबसे पहली खुराक रूह की, रूह की सबसे पहली बुनियादी खुराक कुरान मजीद क्या है? अल्लाह ने खुराक इसको रूह की गजा बनाकर दे जाती है, ठीक है। सबसे पहली खुराक जो है रूह की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सबसे पहली खुराक जो रूह की है वो जिक्र होता है। जब भी इंसान आप देखे, इसलिए हर गुनाह को जानते हैं, गुनाह के सिलसिले में क्या 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 कहा गया, बुराइयों के सिलसिले में, बुराइयों के सिलसिले में यह कहा गया कि बुराइयां यानी गुनाह जो है वो इंसान को खुदा के जिक्र से गाफिल करता है। गुनाह बराह रास्त खुदा के जिक्र से गाफिल नहीं करता है, गुनाह सबसे पहले इंसान के नफ्स को कमजोर बनाता है। जब इंसान का नफ्स कमजोर होता है तो खुदा से गाफिल होता है। इस पे तवज्जो रखिए, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सबसे पहला अखलाकी चैलेंज होता है। इमाम सज्जाद क्या फरमाते हैं? रिसाले हुकूक इमाम सज्जाद का तकरीबन 53 हुकूक या 57 हुकूक उसमें इमाम सज्जाद ने बयान किए, दोस्तों के, भाइयों के, खानदान वाले, रिश्तेदारों के हुकूक, हाकिम का हक, मुआशरे में मसल समाज में रियाया का हक, मुअल्लिम का हक, शागिर्द का हक, ये सारे हुकूक, चरिंद का हक, परिंद का हक, फिजाओं का हक। ये आज लोग जो है मिसाल के तौर पे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, इमाम सज्जाद के रिसालत और हुकूक में उस वक्त पता है, यानी फिजा का हक, सारे हुकूक में उसमें एक हक है, हक को नफ्स, नफ्स का हक क्या है, नफ्स का हक क्या है। क्योंकि देखिए सारी तबाहियां, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आलिम दीन था ज़ोहरी, आलिम नुमा था, आलिम दीन नहीं था, ठीक, एक दानिशवर मशहूर था, ठीक है ना, और पेट दानिशवर था। बनी उमैया ने जहां बहुत सारे काम किए उनमें से एक काम ये किया था, कुछ पैसे देके जो है मौलाना तैयार किए, मैं आज की तबाह नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कुछ अफराद तैयार किए, कुछ मुकद्दस महाफिल, यानी मुकद्दस का लफ्ज मोहतरम होते थे, कुछ ऐसे अफराद तैयार किए थे कि जिनका जो मुआशरे में बहुत मोहतरम शुमार किया जाते थे। बनी उमैया ने कहा उनमें से एक था ज़ोहरी, कह रहा शख्सियत का मसल, शख्सियत का एग्जैजरेट करना, फलाना शख्सियत इसका हर दौर में फुलाई गई शख्सियत, फर्ज कीजिए मिसाल, एक छोटी सी मिसाल दें आपको, कुछ मोतबर किताबें हैं मुसलमानों, उन किताबों के एतबार को सिर्फ बढ़ाने के लिए क्या कहा गया कि इस किताब की फना साहब ने हर हदीस लिखने से पहले जो है दो रकअत नमाज पढ़ी और एक वुज़ू किया, ठीक है, और झूठ से भरी हो किताब, झूठ से जो है भरी हो किताब। यानी जब आलम यह है कि मसलन क्या नाम है, दो रकअत नमाज और वुज़ू के बाद जब यह सब लिखा है, अगर बगैर वुज़ू और नमाज के लिखते तो क्या होता, झूठ से भरी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के नफ्स का यानी ऐसे अफराद अपॉइंट किए बाकायदा कि जो दरबारी आलिम थे, ज़ोहरी उनमें नुमाया शख्स, बाबर इमाम ने और भी बहुत, हसन बसरी, कुछ लोग यानी कम अक्ल थे, कुछ लोग शातिर थे, ये सब वो उलमा थे कि जिनको हुकूमत की तरफ से खास स्टाइपेंड और शहरिया रवातिब मिलते थे, ठीक है। इनको सिर्फ अपॉइंट इसलिए किया गया था कि हराम को हलाल कर दे, हलाल को हराम कर दे, इनको सिर्फ पैसे इसलिए दिए जाते थे। हर जमाने में ऐसा होता है, हराम को हलाल, हलाल को हराम करने के लिए। ज़ोहरी को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नसीहत की,
इमाम सज्जाद ज़ोहरी को क्या, फिर वो रिसाले हुकूक में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मीना में ज़ोहरी को नसीहत करते हैं और दुआ की शक्ल में दुआ करते करते फिर उसको खिताब करते हैं कि ज़ोहरी अपने नफ्स को, मैं अपने अल्फाज में मफहूम अर्ज़ करूं कि ज़ोहरी अपने नफ्स को खुद पर मुसल्लत होने ना दे बल्कि नफ्स पे मुसल्लत हो और अपने नफ्स को फासिद होने से बचाओ, क्योंकि अगर नफ्स फासिद हो गया, खासकर एक दानिश्वर का नफ्स अगर फासिद हो जाए, एक आलिम का अगर नफ्स फासिद हो जाए, तो रिवायत कहती है कि इदा फसद अल आलिम फसद अल आलम, अगर एक आलिम फासिद हो जाए तो सारी दुनिया फासिद हो जाए। कितनी मिसालें आपने की, बहुत सारी, आप अइमा के जमाने में भी लेंगे, आज के जमाने में भी लेंगे, हर दौर में दुश्मन इस्तेमाल ही ऐसे लोगों को करता है, ऐसी शख्सियतें बनाता है। इमाम सज्जाद ने नसीहत के दौरान उसको बताया कि देखो नफ्स जब इंसान का फासिद होता है तो उसमें चंद अलामतें नुमाया हो जाती है, ये हम आज के लिए भी, हर दौर के लिए, हमारे लिए भी, चंद अलामतें जिसमें भी हो उसका नफ्स फासिद है। क्या क्या अलामतें? इमाम कहते हैं कि जब नफ्स इंसान का फासिद होता है तो उसके अंदर तकब्बुर आने लगता है, गुरूर आने लगता है। जब नफ्स इंसान का फासिद होता है, तकब्बुर आप जानते हैं क्या, इसके बाद जब नफ्स इंसान का फासिद होता है तो उसके अंदर हसद आने लगता है। हसद यानी क्या, आसान लफ्जों में बच्चे भी समझ लें, तकब्बुर का मतलब गुरूर, हसद का मतलब क्या, हसद यानी मेरे पास कोई चीज नहीं है, किसी के पास है। एक मतलब हम ये दुआ करें, खुदाया दूसरों को दिया है तू मुझे भी दे, इसे कहते हैं गिप्ता, गिप्ता अच्छी चीज है। हसद क्या, खुदाया मेरे पास तो नहीं उससे भी छीन ले, इसे कहते हैं हसद। जब नफ्स फासिद होता है तो इंसान के अंदर हसद आता है, जब नफ्स फासिद होता है तो इंसान हराम की तरफ उसकी लज्जत बढ़ती है, हराम की तरफ रगबत बढ़ती है। जब भी इंसान के अंदर हराम की रगबत बढ़ने लगे, यानी इसका मतलब उसका नफ्स फासिद, जब नफ्स फासिद होता है तो इंसान के अंदर रियासत तलबी बढ़ती है कि हमें कुर्सी मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग जो है वो मसलन क्या नाम है, उरूज से जवाल तक पहुंच गए सिर्फ इस रियासत तलबी के, ठीक है। आप देख रहे हैं रे की हुकूमत ने कहां से कहां पहुंचाया, इंसान की जब नफ्स फासिद होता है तो वो खुद को बुजुर्ग दिखाने लगता है। देखिए बुजुर्ग होने में और बुजुर्ग दिखाने में जमीन आसमान का फर्क है, जो बुजुर्ग होता है वो कभी खुद को दिखाता नहीं, बुजुर्ग होता है वो कभी खुद को दिखाता नहीं, ये नफ्स के फसाद की दलील। और नफ्स जब फासिद होता है उसकी एक और अलामत क्या है कि इंसान देखिए दौलत का जमा करना, उसको पसंद करना ऐब नहीं, लेकिन दौलत की लालच में तमाम हदों को पार कर देना ये ऐब, ठीक है। जब इंसान का नफ्स फासिद होता है तो वो हर रास्ते से माल जमा करने की कोशिश, हलाल हराम की हदें खत्म हो जाती हैं, ये नफ्स के फसाद की अलामतें हैं। रूहानी जैसे इम्यून सिस्टम इंसान का कम हो तो बीमारियां उस पर हावी होती हैं, इसी तरह मरकज से अमराज जो है इंसान का नफ्स है, अगर नफ्स सही हो जाए तो सारी बीमारियां इंसान की सही हो सकती है। इमाम फरमाते अम्मा हक को नफ्स से कहा فانت استوفيها في طاعه الله فتؤديها الى لسانك حقه والى يدك حقها والى رجلك حقه والى بطنك حقه। क्या कहा इमाम सज्जाद ने, तुम्हारे नफ्स का हक तुम पे ये, नफ्स से क्या क्या चीजें जुड़ी है देखें, क्या क्या चीजें इंसान की जिंदगी में गुनाह का सबब हो सकते हैं, उसकी जबान गुनाह का सबब हो सकती है, उसका हाथ गुनाह का सबब हो सकता है, उसका पैर गुनाह का सबब हो सकता है, गुनाह की राह में इंसान जाएगा पैर गुनाह का सबब, उसका पेट गुनाह का सबब हो सकता है, भूख लगेगी तो हलाल हराम सब खाएगा।
ये सारी चीजें गुनाह का सबब हो सकते हैं। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स का हक ये है कि अपने नफ्स को खुदा का फरमाबरदार बना दो, तो आंख, हाथ, पैर, जबान, पेट, पूरे वजूद का हक अदा हो जाए। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग की हैसियत कैसे होती है, अगर वो कंट्रोल में है तो पूरी गाड़ी कंट्रोल में, बल्कि इंसान किसी की यही हाल इंसान के वजूद में उसके नफ्स का होता है। नफ्स फासिद हो तो इंसान की फिक्र फासिद होती है। मैं आपको असल मंजिल की तरफ आज जो आपकी खिदमत में डिस्कस करना वो ये कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जमाने फसादा। के फिक्री फसाद फिक्री बुराई है। चार चीजों की तरफ इशारा करूंगा, तीन या चार, कि फिर हर जमाने में नफ्स के बाद जो दूसरा सबसे दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो फिक्र की। अगर इंसान का नफ्स सालिम हो, क्यों आप देखिए कुरान मजीद में क्या कहा, हुदल मुत्तकीन, मैंने पहले भी अर्ज किया, परहेजगारों के लिए हिदायत है, यानी कौन पर, वो लोग कि जिनका नफ्स सालिम है, यानी क्या, यानी जो हक को तस्लीम कर सकते हो, जो हक को उनके सामने पेश किया जाए, उनके सामने दलील बुहाना है तो उसको मान लो, ठीक है ना। नफ्स अगर फासिद होता है तो इंसान की फिक्र फासिद होती है। चार बुनियादी फसाद था अकीदे का जो बाकायदा इंटेंशनली बनी मैया ने राइज किया, उनमें से एक मैं इशारा कर चुका हूं बारहा, पर अच्छा इसका सिलसिला करता मैंने एक मजलिस में भी अर्ज किया था, इसका सिलसिला बनी मैया से पहले सकीफा से जाके मिलता है। बनी मैया ने इसको बाकायदा हवा दी, क्या जबर गिराई, यानी क्या, यानी इंसान अपने कामों में मजबूर, यानी हम अपने काम में कुछ भी नहीं कर सकते, जो अल्लाह ने कर दिया वही होगा। बाकायदा तेजी के साथ इस फिक्र को हवा दी जा रही थी। जब मिसाल जनाब आयशा ने मुआविया से पूछा, पूछने वाली और उन्होंने सवाल किया, ठीक है, सवाल क्या किया कि ये बताओ, क्योंकि उन्होंने इतराज किया जब यजीद को मुआविया ने अपॉइंट किया खलीफा के नाम से, तो इतराज किया कि भाई तुमने इनको यजीद को क्यों खलीफा बना दिया, यजीद को क्यों जानशीन दे दी, क्यों इसको अपॉइंट किया। तो उसका जवाब सुनिए, इन्हें इतनी मिठास भरा जवाब देता है, अगर आदमी की फिक्र सादा हो तो इंसान धोखा खा जाए। कहता है कि इन्ना अमर यजीद कान कदा मिन अल कदा व लैस लिल इबाद मिन अल खियरत अम अमरो, ये जो यजीद को खिलाफत मिली है ना, ये अल्लाह के फैसलों में से एक फैसला है, बंदों को इसमें थोड़ी अख्तियार है, बंदों को इसमें थोड़ी अख्तियार है। बिल्कुल यही जुमला खलीफा दुबूम ने भी कहा था, जब इब्ने अब्बास ने, मैंने मजलिस में अर्ज किया, इब्ने अब्बास ने मुझे सवाल किया खिलाफत की गुफ्तगु हुई, टहल गए थे, कहा कि इब्ने अब्बास तुम्हारे इब्ने अम हमसे नाराज क्यों है, इतना इस तरह हमें देखते हैं जैसे हमें खा जाएंगे, क्या ऐसा नहीं है कि अल्लाह जो है कुछ और चाहता था और रसूल खुदा कुछ और चाहते थे, अल्लाह चाहता था कि खिलाफत किसी और को मिले, रसूल खुदा चाहते थे कि अली को मिले, तो खिलाफत अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ और रसूल खुदा जो चाहते थे वो नहीं हुआ। मैं एक जल्दी से कह के उधर जाऊंगा, इस तरह के जुमलों को कहते हैं मीठा कुफ्र, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुफ्र भी कह जाए इंसान, यानी ज़िबा भी कर डालो इस्लाम को, खून भी ना निकले इस्लाम का, जनाजा भी निकाल दो इस्लाम का, और इस्लाम कोई तकलीफ भी ना, ठीक है, इसको कुफ्र तो कहते हैं, जो क्या कहा जाता है, ठीक है, इस तरह की बात हो कि नबी कुछ और चाह रहा है, खुदा कुछ और चाह रहा है, ठीक है। अभी दो मौलानों में लड़ाई होती है तो बर्दाश्त किया जाता है, अब अल्लाह और जो रसूल खुदा में लड़ाई होती है, ठीक है, सही है। इस तरह इस फिक्र को राइज बाकायदा, क्योंकि देखिए जाल हमें अर्ज किया बारह, जालिम कभी भी उसकी हुकूमतें बाकी नहीं रह सकती जब तक फिक्रें मजबूत रहेंगी। फिक्रों को खुफ्ता करने के लिए क्या है, आज भी माशरा इस जहर में आलूदा है, इस जब गिराई है मजबूर, यानी हर इंसान से देखिए हम क्या करें, मजबूर है, जो हो गया हमारे साथ, अल्लाह ही, अल्लाह जो चाहे कर दे ना, तो अल्लाह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता है कि जिसको वो जस्टिफाई ना किया जा सके, इसको लिख लीजिए, खुदा ऐसा कोई काम कभी
कभी नहीं करता कि जिसको दलील और बुरहान के जरिए साबित ना किया जा सके। खुदा ने अपने ऊपर दलील और बुरहान को वाजिब कर रखा है, क्योंकि जब जहर वो अमल खुदा का, किसी को कुछ देता है तो दलील की बिना पर, किसी से कुछ लेता है तो दलील की बिना पर, कोई महरूम है तो दलील की बिना पर, किसी पे अगर फयूजात इलाही आ रही तो भी उसकी दलील। ये इसको ध्यान रखिएगा अजीजों, हरगिज ये कि मसला अब अल्लाह जो चाहे करे, अल्लाह जो चाहे करे अजीजों, ये जुल्म होता है, जुल्म ऐसा कर सकता, जालिम ऐसा कर सकता है। ला यज़लिमुल्लाहु नासा मिसकाल हब्बतिन मिसकाल दर्रा, अल्लाह दर्रा बराबर हब्बे दाने के मिसकाल बराबर भी अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करता। तो एक ये क्या था, इस जमाने के सबसे फिक्री फसाद जो था जबर गिराई, क्योंकि अजीजों अगर इस नजरिए को, जबर के नजरिए को आप देखें, क्या क्यों जबर के नजरिए को इस तरह प्रमोट किया गया, जबर के नजरिए को राइज करने का एक बुनियादी सबब, बुनियादी फलसफा क्या था, अगर जबर का नजरिया राइज हो गया तो सारे मसाइल पिछले जितने भी गुनाह है सब पाक हो सकते हैं, जितने भी गुनाह है सब पाक, सकीफा को पाक किया जा सकता है, सिफीन को पाक किया जा सकता है, जमन को पाक किया जा सकता है, नहरवान को पाक किया जा सकता है, दूसरा जितने भी गुनाह कल हुए वो भी पाक किए जा सकते हैं, आने वाले सारे जराएं पाक किए जा सकते हैं। सुभान अल्लाह कबला वाह। इस नजरिए को राइज करने का हदफ क्या था अजीजों, एक ये एक हदफ। दूसरा सबसे बड़ा जो यानी कारी जर्ब जो कहे तौहीद के ऊपर थी, इस्लाम के ऊपर थी, वो क्या, तशबीह कराई इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम साहब ने, यानी क्या, यानी लोगों को मुशब्बा बनाया जा रहा था। हसन बसरी बहुत मुकद्दस आलिम मशहूर, कुरान में कुछ आयतें हैं कि जिनसे जिस्म जाहिर होता है, ठीक है, मसलन यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ है उनके हाथों के ऊपर, ठीक है, अर रहमान अला अर्श इस्तवा, रहमान जो अर्श पे इस्तवा है, इस्तवा कहते हैं बैठने, मुसल्लत होने, ठीक है, वल्तफत साफ में साफ, ठीक है, कयामत सूरह कयामत में है सूरह काफ में के जो साफ का तस्करा किया जाता है, बाल बरादरा ने उसकी तफसीर भी की कि क़यामत के दिन जब जहन्नम में सब कुछ भोग देगा अल्लाह, उसका पेट नहीं भरेगा तो पूछेगा खुदा हल इन तला, आपके कुरान में आयत भी, तेरा पेट भरा तो जहन्नम कहेगी हल बिन मजीद, थोड़ा कुछ और मिल जाए तो अल्लाह जो अपनी साफ डाल पिंडियां डाल देगा, ठीक है। या इससे ज्यादा इब्न तैमिया जो है मस्जिद में दर्द दे रहे थे, वो कहने लगे कि अल्लाह जो हर शबे जुमा आसमान से छत उतरता है मस्जिद की, कनूरी हाजा, कि जैसे मैं मेंबर के आखिरी स्टेप पे थे, एक स्टेप नीचे आया, कि जैसे मैं देखो मेंबर से नीचे आ रहा हूं, इस तरह क्या है अल्लाह आसमान से जमीन पे उतरता है, ठीक है, उनके सबने पिटाई की और वहीं उनसे जो है। ये नजरिया कहां से है, अबुल हसन बसरी क्या कहते हैं, अबुल हसन यानी इतना कंफ्यूज कर दो इस्लाम को, आप देखिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम किन हालात से गुजर रहे हैं, इतना कंफ्यूज कर दो इस्लाम को कि इस्लाम की सही तस्वीर किसी के ज़हन में ना आए, जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम के जितने भी अकायद हैं सब वाज़ह रोशन, दो दो चार कोई भी कंफ्यूजन नहीं, तौहीद इतनी शफाफ जितनी इस्लाम में और जितनी शियत में पाई जाती है उतनी किसी फिरके किसी मजहब में इतनी शफाफ तौहीद नहीं पाई जाती, इतना वाज़ह तसव्वुर तौहीद का, एकदम दो और दो चार इतना कंसेप्ट, लेकिन इतना कंफ्यूज कर दो कि जब तौहीद में लोग उलझ के रह जाएंगे तो रिसालत और इमामत तो बात की बात, ये बात कहना इंटेंशन है। क्या कहा कि लहू यदु, अल्लाह को हाथ तो है क्योंकि कुरान में लिखा, हम इनकार नहीं कर सकते, वलकिन वला नदरी कैफ यदु, अल ईमान भी वाजिब, उस पर ईमान रखना वाजिब है क्योंकि कुरान में लिखा, वल एतकाद भी जरूरी है, उस पर एतकाद भी जरूरी है, उसका इनकार भी जायज है, वलकिन ला नदरी कैफ यदु, हाथ है उसके लेकिन यह नहीं जानते कैसा हाथ है, ये नहीं जानते, ये तशबीह का थोड़ा सा, यानी वही तशबीह का मतलब खुदा जिस्म रखता है, खुदा हाथ रखता है, खुदा पैर रखता है, लेकिन सब हम सब पे ईमान रखना वाजिब है, लेकिन अब हाथ पैर उसका कैसा है ये हम नहीं कह सकते, ईमान भी वाजिब उन पर इकरार भी। देखिए कितना फर्क है जमीन और आसमान का, इनका कहना है कि खुदा जिस्म रखता है हम उस पर ईमान रखेंगे, खुदा हाथ रखता है ईमान रखते रखेंगे, पैर रखता है ईमान, हर चीज पे ईमान रखते हैं हम, इनकार नहीं सकते कर सकते कि कुरान में लिखा हुआ है। अबू हसन बसरी से पूछे कि ये इस इन्हराफ फिक्री के कायल के क्या सबब हुआ था? देखिए अजीजों, हर जमाने में जब भी आयात के सही मुफस्सिर से मुआशरा दूर होगा तो यही हालत होगी,
सही मुफस्सिर से जिसने तफसीर कुरान की आयत जिसने सही बोला उससे जब भी माजरा गुरु को उसका अंजाम नहीं होता। मौला कायनात के भी जुमले पाए जाते हैं ऐसे, मौला कायनात के भी ऐसे जुमले पाए जाते हैं, लेकिन इन पूजा को ओम पूजा। मौला कायनात ने भी कहा ठीक है, मसलन जब इंसान का जिस्म होगा तो उसको देखा जाएगा उसके हाथ पैर में, जब इंसान जिसके जिस्म होगा उसके हाथ पैर में उसको देखा जाएगा जिसको इंसान देख रहा है ठीक है। मौला कायनात भी कह रहे हैं कि हाँ खुदा को देखा जा सकता है, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है। अली की नजर में खुदा को रूह की आंखों से देखा जा सकता है, रूह की यानी वहां जिस्मानियत नहीं पाई जाती, वहां जिस्मानियत अजीज इस इतना यानी कुफ्र का दूसरा नाम है तशबीह, कुफ्र का दूसरा नाम है तशबीह यानी खुदा के जिस्म का कायम होना। ऐसे हालात से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तो सबसे पहला खतरा जबर गिराई जो अल्लाह के आदमी पे हमला था, दूसरा खतरा तशबीह गिराई। दो तीन बातें को इंशाल्लाह कल मैं अर्ज करूं। तीसरा खतरा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जमाने में जो यानी वही सारे मीठे मीठे स्लोगन से जाहिद नुमा मुसव्वफीन, यानी ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे कि जो मस्जिद में बैठ के चिल्ला नशीनी करते थे और लोगों से ये कहते थे कि तुम बैठ के खाली मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करते रहो, तुम्हारा ना काम है मेहनत करना, ना काम है काश्तकारी करना, ना काम है मशक्कत को कुछ नहीं, सिर्फ बैठे रहो अल्लाह किसी ना किसी बंदे के दिल में डाले वो तुम्हारे लिए रोजी ला के खाना ला के पहुंचाता था। एक शख्स है मोहम्मद सूफी, तवज्जो कीजिएगा, पांचवें नाम कीजिए, इतने इस कदर बड़े हुए थे मोहम्मद सूफी शख्स आता है वो पांचवें इमाम को नसीहत करता है। पांचवें इमाम दो मजदूरों के साथ ज़ईफ़ी है, महासिन से पसीना बह रहा है, दो लोगों के साथ है कंधे पे हाथ रख के और खेत में काम कर रहे हैं। तो आके वो पांचवें इमाम को नसीहत करता है कि अल्लाह हु अकबर, आप दुनिया तलबी में मशगूल हैं, मुझे तो खौफ है कि अगर इस हाल में आपकी कजा आ गई तो आप अल्लाह को क्या जवाब दीजिएगा। इमाम ने जवाब दिया कि अगर इस हाल में कजा आ गई तो मुझे फख्र होगा कि बेहतरीन हालत में दुनिया से जाना। मैं रिस्क हलाल की तलाश में, माश हलाल की तलाश में मशक्कत कर रहा हूं और उस हाल में मशक्कत कर रहा हूं कि अगर इस हाल में मेरे जिस्म का एक कतरा भी गिर जाए तो मैदान शहादत में, मैदान जंग में शहीद होने वाला शख्स जो अपने खून में गलता है उसका पूरा जिस्म का खून और मेरा एक कतरा दोनों बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या उस जमाने में, यानी देखिए आप ये क्या स्ट्रेटेजी क्या थी, जैसे आज स्ट्रेटेजी चल रही है आज हर वो काम दुश्मन करवाने की कोशिश में कि जिससे इस्लाम का चेहरा बदनुमा हो जाए। फर्ज कीजिए ऐसे 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 ऐसी तंजीमें तैयार की जिससे इस्लाम के सिलसिले में खौफ लोगों के जहन में आ जाए ठीक है। ऐसे ऐसे आमाल मिसाल के तौर पे जब इस्लाम के नाम पे तसल्लुत आया तो ऐसे ऐसे काम तालीम से दूर रखो, मसलन जिसको कहते हैं ना इस तरह का रोब खौफ डाला और ऐसी हरकतें दिखाई ठीक है इस्लाम के नाम पे कि लोग इस्लाम से मुतनफ़िर होते जाए। भाई यही हाल उस जमाने का भी था। ऐसे ऐसे अफराद पर्सनैलिटीज और ऐसे ऐसे ग्रुप्स तैयार किए गए कि या तो लोग कंफ्यूज हो जाए उलझ जाए, या तो लोग मिसाल के तौर पर इस्लाम से देख के चिढ़ जाए नफरत होने लगे। भाई जो मजहब भी मुआशरे को सुस्त करे, मुआशरे की तरक्की को रोके, मुआशरे को आगे बढ़ने से रोके, मुआशरे को हलाल कमाने से रोके, यानी हर वो चीज जो फितरत के खिलाफ हो जो मजहब भी उसकी तरफ ले जाएगा उससे रगबत कम होती। ये बाकायदा स्ट्रेटेजी ऐसे मुआशरे में इमाम सज्जाद मिना के मैदान में एक शख्स जो है वो वाज़ नसीहत कर रहा है लोगों और ये मुतसव्विफ था। इमाम सज्जाद ने उससे यही कहा, ये बताओ अगर इस हाल में तुम्हारी मौत आ गई तो कैसी मौत होगी, इस हाल में अगर तुम इस दुनिया से चले जाओ, यानी तुम इस हाल में जा रहे हो कि अल्लाह के अहकाम और कवानीन को जेर पार रख के खुद को लोगों का मोहताज बनाकर लोगों के टुकड़ों पे, इसको रिवायत में काल कहा गया, वो शब्द दूसरों के
यानी इस तरह के मसलन दूसरों पे टुकड़ों पे पलते हैं कि दूसरा कुछ भी पहुंचा दे, हमें दैर नशीनी करनी, मस्जिद में बैठ के हमें सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, सिर्फ तस्बीहां पढ़नी, सिर्फ हिंदुओं की जबान में जाप करना, जो इनको कहते हैं काल, काल कहते वो शख्स जो काल हो अरबी में, वो शख्स जो दूसरों पे काल हो वो रूए जमीन पर बदतरीन मखलूक है। अब बताइए, लेकिन ये लोग मुकद्दस समझे जाते हैं आज भी हमारे माशरे में। वो शख्स जो है दैर नशीनी जितने भी लोग इख्तियार करें वो मुकद्दस माने जाते हैं। खूब ये क्या था, ये इस्लाम के चेहरे को आप देखिए ना, कितने इंसान के तौर पर बहरा वाजे से आप देखिए तस्वीर है, कितनी तस्वीर इस्लाम की खराब की, खास उनके चेहरे और लिबास है, ठीक है, किस खतर इस्लाम के चेहरे को खराब किया। खूब यही आज इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जमाने में सबसे पहले तशबीह, जबर गिराई, तसव्वुफ, चौथी खतरनाक चीज जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जमाने में जो आज तक आए, गुलू। देखिए ये गुलू स्लोगन कितना अच्छा है। आप इमाम सज्जाद की हदीस को सुनिए, इन कौमन मिन शियातिना, ये इमाम सज्जाद का, अगर फर्ज के इमाम सज्जाद होते तो बाकायदा बैठ के शिकवा करते हैं और वो नक्त करने की कैफियत क्या होती, शायद हम नहीं नक्त कर पाते। ये मुसीबत का जुमला इमाम सज्जाद की, जो इमाम सज्जाद की ज़बान हालत में नक्त करते थे, इन कौम मिन शियातिना सयुहिब्बूना, हमसे मोहब्बत करेंगे, ये दावा करेंगे कि हम मोहब्बत करते हैं हमसे, हत्ता यकूलूना, यहां तक कि वो हमारे बारे में कहेंगे, फीना यकूलूना यकूलू फीना, यहां तक कि वो हमारे बारे में कहेंगे, मकालत यहूद फी उज़ैर, जो यहूदियों ने जनाब उज़ैर के लिए कहा, व मकालत नसारा फी ईसा बिन मरियम, जो ईसाइयों ने जनाब ईसा के लिए कहा। अब इमाम का जुमला सुनो, यानी कौन लोग, अब मैं थोड़ा वाज़े करूं, वो लोग के जो अली को खुदा कहे, मैं अभी वो इमाम का लफ्ज उसमें बाद में बताऊंगा, वो लोग के जो इमाम अली को खुदा कहे और तमाम अहकाम खुदा को जेर पा रखे कि नहीं बस कुछ वाजिब नहीं, कुछ हमें करना नहीं, हमें एक काम करना है, ठीक है, वो लोग के जो खुदाई का इनकार करें उनको कहते हैं, जो आज के जमाने में जिनको नुसैरी कहा जाता है, ठीक है, या गाली कहा जाता है। इमाम सज्जाद क्या फरमाता हूं, इमाम सज्जाद का ये जुमला जो है इसको जहन में रखिएगा, कभी भी इसको कोट कीजिए, फला हुम मिन्ना वला नहनु मिन्हुम, ना हमारा उनसे कोई राबता है ना वो हमसे कोई राबता है। दोस्तों में भी इतना जर्फ नहीं चाहिए कि दुश्मन
चे जाए कि नजस फितरत दोस्तों में इतना तहम्मुल नहीं। तो आप क्या है हका बोलो बाकायदा जानते हुकूमत पे करती थी ऐसे लोगों को जैसे आज आज पे किया जाता है। एक जमाने में लोगों को मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए बाकायदा पैसे दे दे के बास मुल्कों में ज्यारत के लिए भेजा जाता था उनका काम वहां से लाने भेजना था। तो किस लिए ताकि इमाम सज्जाद का कमाल क्या जानते हैं अजीजों मैंने कल अर्ज किया था वाकई हिरना हुआ कि जहां मदीना पूरा मिसमार हो गया लेकिन आपने यजीद को कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि आपके घर पे तजावुज कर सकते। यानी क्या इमाम क्या हिम्मत सिखाते हैं कि कभी भी अपने दुश्मनों को बोलने के लिए जबान ना अपने दुश्मनों को जरी ना बोलो सब अपनी तरफ से कभी कोई रीजन ना याद रखो तुम हक पे हो यही सबसे बड़ी दुश्मनी है तुम्हारी तुम हक पे हो यही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए चैलेंज है तुम हमारी विलायत पे हो यही सब इमाम रजा का कौल है इमाम रजा ने बताया था कि हमारे शियों की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो हमारी विलायत है यानी हमारे शियों का यही जुर्म सिर्फ यही जुर्म है कि वो विलायत में लेकिन तुम अपने तरफ से कभी भी दुश्मन को जबान ना दो दुश्मन को दलील ना दो दुश्मन को रीजन एक्सक्यूज ना दो कि तुम्हारा खून बहा सके। ये गुलू क्या है जी लोग गुलू यानी दर हकीकत हम दुश्मन की हौसलों को मजबूत कर रहे हैं। हम ये अली से मोहब्बत थोड़ी है ये तो अमीन शाम की जो है वो हाकिम शाम के अजायब को मजबूत बनाना है। भाई क्यों 70,000 मेंबर से कैसे लानत हो गई आप बताइए कौन लानत का सबब बना आप इस पे और क्योंकि 70,000 मेंबर से हजरत अली पे लानत होती थी इसका सबब क्या था वो क्या कहता था लोगों से हमें हर जगह खाली ये थोड़ी कहा जाता था कि अली सबसे बुरे बहुत सी जगह ऐसे दोस्त पहुंचते थे कि जो अमीर शाम का काम अंजाम देते इनको देख के जो है वो लोग लानत भेजते थे समझना इनको देख के कौन जिम्मेदार है इसका गौर करें आप इस बात पे और इसकी हसासियत पे गौर कीजिएगा। गुलू यानी अली अली को खुदा कहना कुरान मजीद की एक आयत है वो आयत देखिए बिल्कुल मौला कायनात का सादिक आती या अय्युहल लदीना आमनू ला तसुब्बु लदीना कफरू मिन दूनिल्लाह फयसुब्बु अल्लाह अदबन मिन गैर इल्मिन अजीजो ऐनी मिसदाक इसका मौला कायनात इस आयत का। ऐ मुसलमानों ईमान लाने वालों बहुत गौर से सुनिएगा अजीजो आयत के मफहूम को कि उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया है उनको गाली ना बको जिन्होंने कुफ्र किया है अलबत्त गाली ना बको खुलेआम उनके मुंह पे कुछ ना कहो वरना जिसने कुफ्र किया उससे दिल तो जलेगा इंसान का। इमाम साहब सजदे में जाकर कहते हैं आप तो मैं बैलेंस रखना चाहता हूं ताकि कोई गलत मैसेज देके ना जिन्होंने कुफ्र किया है तुम उनको गाली ना बको उनको बुरा भला ना कहो नहीं तो वो खुदा को बुरा भला कहेंगे। तो कीजिएगा अजीजों मैं क्या कहना चाह रहा हूं अजीजों जो पस्त है अगर आप उसकी पस्तियों को सबके सामने बरमला कीजिएगा उसके मुंह पे कहिएगा ठीक है उसकी पस्तियां कम नहीं होंगी लेकिन वो जब बदला लेगा तो वो किसी भी इंतहा को जा सकता है। भाई यही क्या दुश्मनों ने आज यही क्या दुश्मनों ने ठीक है गुलूफ गुलूफ दूसरा बरमला 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 लानतों का सिलसिला। अब ये कुछ काम है कभी कभी दुश्मन के अजायब को मजबूत करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाते हैं उनको कवि बनाते हैं। इमाम सज्जाद अलैहि वसल्लम ऐसे ये कब होता है अइमा ने आपके दोस्तों को जो है वो स्ट्रैट यानी हकीम बनाया आपने दोस्तों को इस कदर डिप्लोमेट बनाया है कि लानत भेज के चले जाए दुश्मन समझ ही ना पाए। जनाब मुस्लिम मैंने अपनी ये वाकया पढ़ा था जनाब मुस्लिम इब्ने अकील जनाब अकील आपकी गए मुआविया के दरबार में बुलाया था कहा कि अली से बरात हासिल करो तो आपने एक जुमला कहा अला इन मुआविया कद अमरनी बिलअन अली अला फलअनू। मुआविया ने मुझे यह हुक्म दिया कि मैं अपने भाई अली से बरात हासिल करूं तुम सब उस पर लानत भेजो कह के चले गए। दरबार वाले खुश हुए कि आज भाई को भाई का दुश्मन बना दिया तो ये कहते हैं कि खामोश रहे मैं जानता हूं वो क्या कहे क्या कहा अला फलअनू आगा हो गया तुम सब उस पे लानत भेजो ये उसके की जमीर किस पे जा रही है ये उसके की जमीर किस पे जा रही है।
यानी मैं क्या क्या अर्थ करना चाह रहा हूँ, बहरा दुश्मन जो भी अहबैत का भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, उससे बरात हमारे दीन का हिस्सा है, बरात दीन का हिस्सा है। जब तक हम दुश्मन से बरात हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम ला इलाहा नहीं कहेंगे, इल्लल्लाह मुकम्मल नहीं हो सकता। ये तो दीन का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन कमाल ये है कि हम तौहीद को इजहार किस तरह कर रहे हैं, विलायत का इजहार किस तरह कर रहे हैं। ये ला ला वली इल्ला अली जो है, ये हम इजहार कैसे कर रहे हैं, ये कमाल है, ये बहुत कमाल। यही इसका बरात हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन इस बरात को जाहिर कैसे करना, ये मसलन देखिए, जिनके जिनके पाए मजबूत होते हैं उनके अंदर दीवानगी नहीं पाई जाती, उनके अंदर कमजोरी और आजिजी नहीं पाई जाती, वो अपना काम इस तरह अंजाम देके चले जाते हैं कि अगर वो कत्ल भी हो जाए तो उनके कत्ल से दुश्मन आजिज हो जाए। ये इमाम सज्जाद ऐसे हालात में, इमाम ऐसे लोगों से तो क्या कहा इमाम सज्जाद ने जुमले को, ला हुम मिन्ना वला नहनु मिन्हुम, ना उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, पूरी कायनात को एक जो है वो, या पूरी खैबर को एक जो है वो ढोंग बना दिया, खंदक को, जितनी जंगें थी, जितनी बहादुरी थी, ये सब खत्म कर दिया, शरफ तीर पैर से निकाल दिया जा रहा, ठीक है, सब खत्म कर दिया। मलाइका कह रहे हैं सजदे में जाके कहते हैं, कफा बि इज्जतन अन तकूना लि रब्बा व कफा बि फखरन अन अकूना लक अब्दा, मेरी इज्जत इसमें है कि तू मेरा रब हो, मेरा फख्र इसमें है कि मैं तेरा रब हूं। उसमें जनाब ज़ैनब का आलम यह था कि आप झुकी हुई
बच्ची चीखती थी, वो भी अल्लाह। अच्छा साहिबान औलाद यहाँ बैठे, पहले चारों के आप इसको महसूस कीजिए, बच्ची कै साल की थी, कै साल की बच्ची थी? चार साल की बच्ची। और ये मैंने पंद्रह प्रश्न पेश किया था मसाइल का, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पैरों को ऊन की रस्सी से बांधा था, और जब ऊन चलता था तो उसकी रगड़ से खाल छिलती थी। ये मैंने अर्ज किया था, एक मंजर और अर्ज करूंगा, अल्लाह तो इसी पर मुझे। एक बच्ची थी जो बार बार नाके से गिरे जा रही थी। तो मलूमों ने उस बच्ची को सीने के बल नाके से